हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और गाइस, आज की वीडियो आप सभी को पता है कि डेली वोकैब सीरीज चल रही है, जिसमें आज डे 5 है। मुझे उम्मीद है कि मैं तो आपके इस वोकैबलरी सेशंस को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और अच्छा करेंगे एक दिन। और सच बताऊँ तो आप लोग ऐसे ही रेगुलर इसको फॉलो करते रहिए। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, मैंने कल की वीडियो में बताया था, आज फिर बता देता हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल अंकुर राणा लर्नर्स, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा डेली वोकैब इंग्लिश क्यूज के नाम से, जिसमें आप जो भी मैं यहाँ पे आप वोकैबलरी सेशन करते हैं उनकी सारी वही सेम वोकैबलरी की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो उसका आपको जो लिंक है वो मतलब पिन है ग्रुप में अंकुर राणा लर्नर्स पर, ठीक है गाइस? वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और डेली जो भी आप वोकैब सीरीज की वीडियो करते हैं उसको बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका डबल बेनिफिट होगा और आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और आपका वोकैबलरी पर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगा, ठीक है गाइस? आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो डे 5 डेली वोकैब सीरीज की रूट वर्ड विद एग्जांपल, जिसमें आज का पहला रूट वर्ड है एंड्रो। एंड्रो का मीनिंग होता है मेल या मैन, ठीक है? पहला वर्ड है एंड्रोगाइनोस, का मीनिंग होता है हैविंग बोथ मेल फीमेल एंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? उसके कैरेक्टर को दिखाना, मेल और फीमेल, जिसमें दोनों कैरेक्टर को मतलब मेल का भी और फीमेल का भी, उसको बोलते हैं एंड्रोगाइनोस। फिर होता है एंड्रोइड। एंड्रोइड किसको बोलते हैं? रिजेंबलिंग का मतलब होता है हमशक्ल। हमशक्ल ए ह्यूमन, एक ह्यूमन जैसे, एक आदमी जैसा, ह्यूमन लाइक रोबोट, जैसे रोबोट, रोबोट क्या है? ह्यूमन जैसा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंड्रॉयड। फिर होता है एंड्रोगोगी। एंड्रोगोगी का मतलब क्या होता है? द मेथड्स और टेक्निक यूज फॉर टीच एडल्ट्स, एडल्ट्स को पढ़ाने की टेक्निक मेथड को क्या बोलते हैं? एंड्रोगोगी बोलते हैं। उसके बाद होता है पोलियंड्री। पोलियंड्री का मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक से ज़्यादा हस्बैंड होना, ठीक है? एक से ज़्यादा हस्बैंड होने के लिए क्या बोलते हैं? पोलियंड्री। देखो जहाँ पे भी एंड्रो आएगा, एंड्रो क्या है? यहाँ पे रूट वर्ड है, हर हर नंबर में एंड्रो क्या है? रूट वर्ड है, ठीक है? उसके बाद होता है मिसएंड्री। मिसएंड्री का मीनिंग क्या होता है? हैट्रेड टू वर्ड्स मैंस, यानी नफरत करना, आदमी से नफरत करना, ठीक है? मिसएंड्री का मतलब होता है मिस, आपने कल भी पढ़ा था, मिसगैमी पढ़ा था ना, शादी से नफरत करना, ठीक है? जो शादी से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिसएंड्री, हैट्रेड टू वर्ड्स मैन। फिर होता है एंड्रोक्रेसी। एंड्रोक्रेसी का मतलब होता है द पोलिटिकल रूल बाय द पॉलिटिकल रूल बाय मैन और मेल्स, ठीक है? एक ऐसा पॉलिटिकल रूल जिसको आदमी और आदमी चलाते हो, ठीक है? मेल चलाते हो। एंड्रोसेंट्री का मतलब होता है सेंटर्ड और फोकस्ड ऑन मैन। फिर होता है एंड्रोफोबिया। फोबिया भी यहाँ पे एक रूट वर्ड है। फोबिया का मीन्स होता है फियर, डर, किसी चीज़ का डर, तो उसको बोलेंगे अगर एंड्रोफोबिया बन जाएगा तो एबनॉर्मल फियर और डिसलाइक फॉर मैन, आदमी को आदमी से डर लगना, ठीक है? फिर होता है एंड्रो एनाटोमी का मतलब होता है द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल बॉडी। मेल बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंड्रो एनाटोमी, ठीक है? फिर होता है एंड्रोसाइट का मीनिंग होता है मेल सेक्स सेल स्पेशली ऑफ एन एमेच्योर स्टेज, ठीक है? एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखो एंड्रोगाइनस का मीनिंग क्या होता है? हैव बोथ मीमेल फीमेल कैरेक्टर, जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर हों, यानी मेल जैसे और फीमेल जैसे भी, ठीक है? तो एंड्रॉयड का मीनिंग क्या होता है? रिजेंबलिंग ए ह्यूमन, ह्यूमन लाइक रोबोट, यानी एक रोबोट जैसा, सेम। रिजेंबलिंग का मतलब होता है हमशक्ल, ठीक है? एंड्रोगोगी का मतलब होता है द मेथड ऑफ टेक्निक यूज ऑफ टू टीच एडल्ट्स, एडल्ट्स को पढ़ाने के लिए कोई टेक्निक या मेथड का यूज करना, उसको बोलते हैं एंड्रोगोगी। और पोलियंड्री का मतलब होता है द प्रैक्टिस हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक से ज़्यादा हस्बैंड होना सेम टाइम में, ठीक है? उसके बाद होता है मिसएंड्री। मिस का जहाँ भी मिस आ जाएगा, मिस का मतलब हेट से होता है, नफरत करना, यानी हेट होता है इसका मीनिंग, ठीक है? मिसएंड्री का मतलब हो जाएगा हैट्रेड टूवर्ड्स मैन, मैन से नफरत करना, मिसएंड्री बोलेंगे। एंड्री, ये एंड्रो आपका क्या है? मेल और मैन से रूट वर्ड है। एंड्रोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? द पॉलिटिकल रूल बाय मैन और मेल, मेल के द्वारा कोई पॉलिटिकल रूल चलाया जाना, उसको बोलते हैं एंड्रोक्रेसी। एंड्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सेंटर्ड ऑफ फोकस्ड ऑन मैन, सिर्फ मैन को ही पॉइंट मानकर उस पर फोकस करना, तो उसको बोलेंगे एंड्रोसेंट्री। एंड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है फियर, डर, तो यानी एबनॉर्मल फियर और डिसलाइक फॉर मैन, यानी मैन से, आदमी से डर होना, तो उसको बोलेंगे एंड्रोफोबिया। फोबिया के एक मैं वर्ड मीनिंग पूरा लिखा हुआ, जिसमें सारा कंप्लीट फोबिया ही होगा, फोबिया एक अलग से रूट वर्ड है, ठीक है? वो सारा मिक्स आ जाएगा उसमें। फिर होता है एंड्रो एनाटोमी का मतलब क्या हो जाएगा? द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल बॉडी, इसको बोलते हैं मेल बॉडी का मतलब पूरी जो हमारी बॉडी है मेल की, उसका पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंड्रो एनाटोमी। एंड्रोसाइट का मतलब क्या होता है? मेल सेक्स सेल स्पेशली ऑफ एन इमेच्योर स्टेज, ठीक है गाइस? अभी 10 तक हमने किए थे, अगला नेक्स्ट 11 नंबर है। एंड्रोसियम का मीनिंग होता है स्टामेन, ए नेम गिवन टू द होल ऑफ द मेल ऑर्गेन
ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लोवर्स, जैसे फ्लोवर्स फूल होते हैं उनमें भी मेल फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, तो एंड्रो का मतलब होता है कि एक ऐसा नाम गिवन देना पूरे मेल ऑर्गन्स को जो फ्लोवर से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद होता है यूसाइकोएंड्रिक का मतलब होता है ए रेफरेंस टू द माइंड ऑफ ए मैन और मैन, यानी एक ऐसा रेफरेंस जो आदमी के दिमाग से आदमी के दिमाग तक जा सके उसको बोलते हैं साइकोएंड्रिक। उसके बाद होता है एंड्रोसम, एंड्रोसम का क्या होगा, ए मेल लिमिटेड क्रोमोसोम लिटरली ए मेल बॉडी, मतलब एक मेल लिमिटेड क्रोमोसोम होना किसी भी एक मेल बॉडी में उसको बोलते हैं एंड्रोसम। फिर होता है सोमेंड्रिक का मीनिंग होता है रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ मैन, यानी बॉडी से रिलेटेड, मैन की बॉडी से रिलेटेड को बोलते हैं सोमेंड्रिक। एंड्रोगैमी, एंड्रो अलग होता है, गैमी आपने शादी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे देखिए द इम्प्रेग्नेशन ऑफ द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। इम्प्रेग्नेशन का मतलब होता है संचयन करना, यानी मिलाप करना, मिलना जुलना, मेल करना, किसी इस पर्पज से शादी करना, उसको बोलते हैं एंड्रोगैमी। एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होगा, द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन कंसर्न्ड विद डिजीज पेक्यूलियर टू द मेल सेक्स, पर्टिकुलरली इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिसफंक्शंस के लिए, ठीक है। एंड्रोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, जिस भी वर्ड में लॉजी लगा होगा यानी पर्टिकुलर उस चीज़ का अध्ययन करना, तो एंड्रोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन करना होता है कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न करना, ऐसी डिजीज़ जो मेल सेक्स के लिए पर्टिकुलरली इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डाइफंक्शन कर सके उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोमेनिया और एंड्रोमैनिक, देखो मेनिया का मतलब होता है सनकी, यानी किसी चीज़ को लेकर पागल होना, यानी वही चीज़ चाहिए या उसको लेकर इतना उत्साहित या इतना एक्साइटेड हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, मैनिया बोलते हैं, एंड्रोमैनिया या एंड्रोमैनिक भी बोल सकते हैं, इसको निम्फोमैनिया भी बोल सकते हैं। एबनॉर्मल एक्सेसिव इंसेंटिबल सेक्सुअल डिजायर इन द फीमेल फॉर ए मैन, यानी इतनी सेक्सुअल डिजायर हो जाना मतलब किसी फीमेल से, किसी मेल की, तो उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोमैनिया, ठीक है। एंड्रोमॉर्फिक और एंड्रोमॉर्फी दोनों सेम वर्ड है, या तो मॉर्फिक बोल दो या मॉर्फी बोल दो, जैसे एंड्रोमैनिया बोल सकते हैं, एंड्रोमैनिक बोल सकते हैं, ठीक है, या निम्फोमैनिया बोल सकते हैं। हैविंग ए मॉर्फोलॉजिकल सेप फ्रॉम रिजेंबलिंग मेल्स, किसी एक मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक ऐसी सेप तैयार करना बनाकर, चाहे स्टैचू वगैरह ऐसी सेप तैयार करना जो बिल्कुल हम शकल किससे हो, मेल से रिजेंबलिंग मतलब हम शकल होना उसके जैसा दिखाई देना, सेप या फॉर्म कोई भी ऐसी जो आदमी जैसी दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं एंड्रोमॉर्फिक, एंड्रोमॉर्फी, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर होगी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंड्रोसियम का मीनिंग क्या होता है, वूल मेल ऑर्गेनिज्म, जो मेल ऑर्गेनिज्म होते हैं कम्प्लीटली फ्लोवर में उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। और साइकोएंड्रिक क्या होता है, मतलब ए रेफरेंस टू द माइंड मैन और मैन, आदमी के आदमी तक रेफरेंस को पहुंचाना उसका काम होता है साइकोएंड्रिक। एंड्रोसम का मीनिंग क्या होता है, ए लिमिटेड क्रोमोसोम लिटरली मेल बॉडी, मेल बॉडी में जो लिमिटेड क्रोमोसोम होते हैं उसको बोलते हैं एंड्रोसम। सोमेंड्रिक का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ मैन, ठीक है। एंड्रोगैमी का मतलब क्या होता है, इंप्रेग्नेशन ऑफ द मेल गैमेट बाय फीमेल गैमेट, शादी के बाद मेल मिलाप जो भी आप समझ सकते हैं वो समझिए। एंड्रोलॉजी द ब्रांच ऑफ ए मेडिसिन कंसर्न्ड विद डिजीजेस पर्टिकुलर टू द मेल सेक्स एंड फर्टिलिटी, मतलब एक ऐसी ब्रांच और मेडिसिन के बारे में कंसर्न करना जिससे मतलब मेल सेक्स के मतलब इनफर्टिलिटी और पर्टिकुलरली उसको सेक्सुअल डाइफंक्शन के लिए उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। लॉजी जहाँ भी आएगा अध्ययन के लिए आता है। एंड्रोमैनिया, मैनिया का मतलब मैंने अभी बताया सन की, किसी चीज़ के लिए बहुत डिजायर रखना, इच्छुक होना, किसी चीज़ के प्रति पागल हो जाना, उसको बोलते हैं एंड्रोमैनिया या एंड्रोमैनिक या निम्फोमोनिया भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा एबनॉर्मल एक्सेसिव इनसेटिसेबल सेक्सुअल डिजायर इन द फीमेल और फीमेल फॉर ए मैन, मैन का इतनी फीमेल के लिए सेक्सुअल डिजायर हो जाना उसको बोलते हैं एंड्रोमैनिया या एंड्रोमैनिक। एंड्रोमॉर्फिक और एंड्रोमॉर्फी सेम वर्ड है, एक ही मीनिंग है इनका, हैविंग ए मॉर्फोलॉजिकल सेप फ्रॉम रिजेंबलिंग मेल्स, एक ऐसी सेप या फॉर्म तैयार करना जो हमशकल हो बिल्कुल आदमी के जैसा, ठीक है, उसको बोलते हैं एंड्रोमॉर्फिक। आई होप सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, आगे इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा और सभी लोग इसी तरीके से सीरीज को रेगुलर करते रहिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा और आपको कम्प्लीटली लर्न होते रहेंगे। और प्रैक्टिस के लिए भी, जैसे बहुत एस्पिरेंट की मतलब डाउट्स यही रहते हैं कि सर सब लोग करा देते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए भी स्टार्ट कर दिया, मैंने बोला आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल अंकुर आना लर्नर्स, वहाँ पे पिन मैसेज में आपको ग्रुप का मतलब लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप डेली क्यूज में जुड़ सकते हैं, जिसमें यही डेली वोकैब सीरीज की क्यूज आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगी। पहले वीडियो देखो और फिर उसकी प्रैक्टिस करो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है गाइस। ज्वाइन करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और आप जुड़े रहिए इसी तरीके से, ये सीरीज रेगुलर ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। मैंने प्रॉमिस किया तो मैं कंप्लीट आपको वो कैब का सेशन पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है।
कभी भी आप इसको देखेंगे तो आपको हर चीज़ इसमें कंप्लीट मिलेगी, ठीक है गाइस। और जैसे भी आपको वीडियो लगे, जो भी आपका बेनिफिट्स हो, जो भी फ़ायदा हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है गाइस। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, या पहली बार अगर देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है गाइस। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।